जी बिल्कुल, आईनी तरमीम का मामला कुछ मखमसे का शिकार दिखाई दे रहा है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुसविदा जो है वो शेयर नहीं हुआ। सब जमाते ये कह रहे हैं। पीटीआई के सीनियर रहनुमा आसिफ कैसर हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं ये कुछ मखमसा जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्या ठप हो गई आईनी तरमीम, क्या लग रहा है? देखिए, जब आप ऐसा काम करेंगे, जब आप शकून मानेंगे आईन पर और जिस तरह ये आईन को पास अमेंडमेंट ला रहे हैं, तो तकरीबन यूँ समझो कि पूरी आईन का हुरिया बिगाड़ना चाहते हैं और वो भी इस तरह के, उस पर न कोई मुशावरत हो न कोई डिबेट हो, तो ये कैसे फिर इस पार्लियामेंट की क्या हैसियत है? तो हम इसके रवैये की मजम्मत करते हैं। अभी तक हमारे साथ कोई मुसविदा ड्राफ्ट जो है अभी तक शेयर नहीं किया गया है, बल्कि इवन ये कह रहा हूँ कि अपनी हुकूमत ही अरकान के छुपाया जा रहा है, तो ये कैसा होगा कि इसके बाद जो है ना कोई इसको ये पता चल रहा है कि कल तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है खुसूसी कमेटी में कुछ अपनी तरमीम रखी गई है कि हम आपकी तरमीम पर आ जाएंगे लेकिन हमारी कुछ तरमीम जो है वो भी शामिल की जाए, तो कोई ऐसी बार्गेनिंग करने की कोशिश की गई है वहाँ पे? नहीं, हमने इसको ये कहा है कि आप हमारे साथ देखिए जो भी है शेयर करें, हम इसको जो ऑल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी उनकी भी उसमें पूरी ओपिनियन आनी चाहिए, उसमें जो है ना लॉयर्स की भी ओपिनियन आनी चाहिए और खासकर अपनी पार्टी से भी डिस्कस हो, ताकि ये ऐसा काम होता है कि ये आइन तो मुल्क के पूरे 25 करोड़ आवाम की है ना, तो इस पर अगर आप इतनी जल्दी करेंगे, वो कहते हैं ला रश ला क्रश, अगर आप कानून साजी पे इतनी ज्यादा तेजी दिखाएंगे तो वो कानून जो है ना आप उसको क्रश कर लेते हैं। आइन कानून का मतलब ये होता है कि आप अपने शहरियों के लिए कोई बेहतरी कर रहे हैं, जब आप इसके डटे के जोर से करेंगे तो इसमें कैसी बेहतरी? ये एक बात सामने आ रही है जराये से जो है कि जो तहरीक इंसाफ है उसका एतराज सिर्फ जो है वो आर्मी कोर्ट्स की तश्कील के हवाले से या मुकदमात किसी भी तरह से जो है वो सिविलियंस के आर्मी कोर्ट्स तक भेजने के हवाले से, तो इसमें कोई सदाकत है? इसके ऊपर हम सीरियस है और उन्होंने इस आईनी उसमें उसको शामिल किया था, अभी तक उसको छुपा रहे हैं और अभी तक ये अपनी हुकूमत जी लोगों से भी छुपा रहे हैं, उसको भी नहीं निकाल रहे हैं, तो हम तो बिल्कुल। और उसके 56 अमेंडमेंट्स हैं, 56 अभी तो जो थोड़े बहुत दिखाए, कोई 15-20 लोगों को दिखाए, 56 अमेंडमेंट है, ये जो पार्टी सपोर्ट करेगी ना उसको जूती पड़ेगी आवाम में। लेकिन ड्राफ्ट अभी तक कुछ नहीं है, जो कल जो कमेटी में कह रहे थे कि कमेटी में किस तरह से बताया गया अपना, वो तो वर्बल बातें हो रही है, कोई ड्राफ्ट के जरिए नहीं हो रही, वो कहते हमारे पास जो कुछ नोट्स हैं हमें से आगे बात करें, इस तरह नहीं। आइंदा का लाइमन क्या सोचा? देखिए, हमने अभी करना है कि पहले तो हम पार्लियामेंट में करेंगे और पार्लियामेंट में इंशाल्लाह हमें कभी मिलेगी नहीं कर सकेंगे और फिर हम आवाम में भी जिसम नहीं करेंगे। आसिफ कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपने सुना कि वो इस वक्त तक अपने मौके पर कायम हैं और उन्होंने ये वाजे तौर पर बताया कि आर्मी कोर्ट्स के हवाले से और सिविलियन के मुकदमात आर्मी अदालतों में चलने के हवाले से तरमीम जो है वो वहां मौजूद थी, ये पहले अफवाह थी लेकिन अब सबके सामने आ चुका है।